हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिलाईथिकमेंट पर। गाइस, ये इस वक्त आप जो भी सामान देख रहे हैं, यहाँ पर पीसी पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर ये कीबोर्ड देख रहे हैं, माउस देख रहे हैं, और ये 450 वाट की पावर सप्लाई, यहाँ पर SSD और 16 GB रैम यहाँ पर रखी हुई है। तो गाइस, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं H510M A Pro, यहाँ पर मदरबोर्ड, और यहाँ पर कोर i3 10105F प्रोसेसर, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो हेडफोन रखा है इसका तो मैं यहाँ पर अनबॉक्सिंग दिखा चुका हूँ। और गाइस, यहाँ पर ये कैबिनेट रखा हुआ है, एंटी स्पोर्ट की तरफ से आता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर गाइस, जितना भी यहाँ पर पीसी के पार्ट रखे हुए और ये कुछ ये मदरबोर्ड के साथ निकला हुआ था, ठीक है, ये सब कुछ आपकी बदौलत हुआ है गाइस, आपने हमें इतना सपोर्ट किया। और गाइस, एक चीज छूट गई, यहाँ पर ये एक ग्राफिक कार्ड रखा हुआ है जो कि GT 1030 है। ये गाइस मेरे बजट के हिसाब से सही है, मेरे पास इतना ही बजट था। और गाइस, यहाँ पर आपको बता दूं कि मेरे को यहाँ पर सपोर्ट किया अतुल भाई ने, अतुल प्रजापति। गाइस गाइस, ये अतुल भाई ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर ये जो कुछ भी आप सामान देख रहे हैं ये सारा का सारा यहाँ पे रखा हुआ। तो गाइस, मैं यहाँ पे आपको फुल्ली डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ कि कौन सा पार्ट कितने का यहाँ पे मिला हुआ, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे ये बड़े वाले पार्ट का, यानी कि जो कैबिनेट, ठीक है। तो कैबिनेट मेरे को पड़ी है 3000 के आसपास की, ठीक है गाइस। और यहाँ पर गाइस, ये माउस कीबोर्ड मेरे को गेमिंग ये जेब्रो ने कहा है, तो गाइस ये मेरे को पड़ा है वही 1400 के आसपास का। और गाइज, यहाँ पर ये 8 GB की दो रैम है, यानी कि 16 GB रैम देख रहे हैं आप। तो ये गाइज मेरे को पड़ी हैं लगभग 5600, यानी हाँ लगभग क्या पूरा 5600 ही पड़ेगा, 5600, ठीक है। और गाइज, ये जो 1030 ये ग्राफिक कार्ड है गाइज, ये मेरे को पड़ा है 9500 का। और यहाँ ये 450 वाट की पावर सप्लाई मेरे को लगभग 3500 या 3200 की पड़ी हुई है। SSD भी मेरे को शायद यही सही 2500-2600 की पड़ी हुई है। और गाइज, ये H510 MA Pro मदरबोर्ड जो कि गाइज काफ़ी इसकी हालत ख़राब है, यार अमेजोन वाले ने ऐसे ही मेरे को टूटा फटा भेज दिया है। गाइज, इसको देखते हैं, अभी तो इसको रिप्लेस हो जाएगा, बट मैंने यहाँ पे इसकी सील वील तोड़ दी है, आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ठीक है गाइज। ये मेरे को पड़ा है लगभग क्या 6.5 के आसपास का पड़ा हुआ है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। और गाइज, ये मेरे को पड़ा है 8500 का। गाइज, इंटेल कोर i3 है जो कि गेमिंग के लिए परफेक्ट है। ये गाइज 3.7 का गाइज GHz पे ये काम करता है, ये 14 नैनोमीटर का गाइज प्रोसेसर जो कि गेमिंग यानी बजट के लिए गाइज अच्छा है। और इसका तो अनबॉक्सिंग में दिखाई चुका हूँ गाइज, ये लगभग मेरे को 1700 में पड़ा हुआ था। गाइज, एक चीज छूट रही है, वो है मॉनिटर, ठीक है गाइज। मॉनिटर गाइज, उसके लिए पैसा नहीं था गाइज, तो पैसा थोड़ा सा कम है तो, बट अतुल भाई ने मेरे को सपोर्ट किया, बस उन्हीं का पैसा रखा हुआ है मेरे पास, उसी की देखते हैं गाइज, थोड़ा बहुत पैसा और मिलता है तो मैं मॉनिटर भी ले लूँगा, ठीक है गाइज। यदि गाइज आप भी मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं गाइज, दिल से सपोर्ट करना चाहते हो गाइज, यदि आप हो सके तो आप मेंबरशिप ले लीजिएगा, यदि आपके पास थोड़े पैसे हों तो गाइज कर दें तो गाइज बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। ये असेंबल करने के लिए रह गया है, तो इसको असेंबल करने के लिए मेरे को गाइज ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। बाकी इसका सारा सामान इकट्ठा करके मेरे को ले जाना पड़ेगा, तभी असेंबल हो पाएगा। तो गाइज, इसमें क्या बोलें यार, पसंद आए तो बस यार लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी सब ठीक ही है यार, सब आपकी सपोर्ट से सब बढ़ रहा है आगे अपना बिलायती गेमर्स यूट्यूब चैनल, ठीक है गाइज। तो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर तब तक के लिए जय हिंद।